हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90। तो उसने बता दिया ए बी सी एक राइट एंगल है, लेकिन राइट एंगल किस पर है, ए पर है। ठीक है, एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी और दो साइड उसके इक्वल बता दी। फाइंड एंगल बी एंड सी, तो हमें यहाँ पर एंगल बी और सी का मेजर पता करना है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करी है। तो उसने हमें बोला एंगल एक राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर। तो इसको मैं ए मान लेती हूँ और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें और बाकी के नाम, तो ये इसको मैं बी मान रही हूँ और इसको मैं सी मान रही हूँ। ठीक है, तो और उसने ये भी किया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो हम कर लेते हैं। कि एक तो उसने हमें दे दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, तो इसको भी हमें गिवन कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो एंगल जो ये होगा हमारा, मतलब ए बी जो है, ए बी साइड उसने इक्वल दिए ना हमें, तो ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये ए सी के अपोजिट एंगल क्या होगा, बी। देखो ऐसे समझ जाओ, ए बी के अपोजिट तो एंगल सी हो जाएगा और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल बी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, एंगल बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने, 180 होता है, मतलब जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, एंगल ए तो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ए की जगह पे तो 90 लगा देंगे, फिर एंगल बी। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ए बी के अपोजिट एंगल बी है और सॉरी ए सी के अपोजिट बी है और ए बी के अपोजिट एंगल सी है, तो दोनों ही एंगल इक्वल है, तो मैं दोनों जगह पे क्या कर सकती हूँ, एंगल बी ही लिख सकती हूँ, क्योंकि बी भी सी के इक्वल है, वो काम मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब ये 90, और जब 1 + 1 = 2 होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब इस 90 को मैं साइड चेंज करती हूँ, तो साइड चेंज करने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू 90/2, 2 से इसको काटा तो कितना हो गया, 45 डिग्री। तो एंगल बी हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। और जैसा कि मैंने बताया कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। उसने हमसे यही पूछा था कि एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, तो एंगल बी कितना आ रहा है, 45, और एंगल सी भी कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना, यही पूछा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें प्लीज़।